दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार बहुत तेजी से फेमस हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह बाबा का कनेक्शन सीधा बालाजी यानी कि बजरंगबली के साथ है और इनको बजरंगबली ने कुछ दिव्य शक्तियां भी दी है जिससे यह लोगों के बिना कहे उनकी मन की बात जान जाते हैं और एक पेपर पर उसकी समस्या क्या है और उसका समस्या का हल क्या होगा वो वक्त के बिना कहे एक पर्ची पर लिख देते हैं। और आजकल यह भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट बन गए हैं और यह अब तक 40 से 50 भूत भगा भी चुके होंगे और साथ में इनके पास किसी को न दिखने वाला एक सेनापति भी है जो उनको लोगों के भूत भगाने में मदद करता है। वैसे दोस्तों ये बाबा के सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि इनकी बहुत सारी क्रश भी हैं जो इन्हें कभी कभी बाबू भी कहकर पुकार लेती है। एक महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। और साथ में दोस्तों इस बागेश्वर धाम बाबा की फैंस फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी है और इन्होंने अब तक कई सारे प्रोग्राम यानी कि सत्संग विदेश में भी जाकर किए हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे बाबा रह चुके हैं और उनकी गजब की चमत्कारी भी हम लोगों ने देखी है, मगर अभी तक तो इस बाबा की कोई ऐसी चमत्कारी लोगों के सामने नहीं आई। मगर आज की इस वीडियो में हम लोग बाबा की लाइफ स्टाइल और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सच में कोई चमत्कारी करते हैं या फिर यह बाबा भी पहले वाले बाबा जैसे ही हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बागेश्वर धाम बाबा का असली नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वही इनका निक नेम है बागेश्वर धाम वाले महाराज। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव गड़ा में एक बहुत ही गरीब पंडित परिवार में हुआ था और वही 2022 के हिसाब से इनकी उम्र होती है 26 साल। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वह सिर्फ 9 साल के थे तभी से यह बालाजी महाराज की सेवा में लग गए थे। और इसे ही बताते हुए बालाजी महाराज यह भी बताते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ है कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। वैसे इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर ही पूरी की और कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री थे और उन्हें भी यह दिव्य शक्तियां प्राप्त थी और इनके दादाजी भी दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करते थे। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दादाजी के साथ ही रहकर रामायण और गीता जैसे धार्मिक किताबों का अध्ययन किया। वैसे इन्होंने अपने शुरुआती स्कूल की पढ़ाई अपने गाँव के एक स्कूल से अपनी 8वीं तक की पढ़ाई कम्प्लीट की और फिर आगे की पढ़ाई करने वो अपने गाँव से 6 किलोमीटर दूर अपने बगल के गांव गंज पढ़ने जाते थे क्योंकि इनके गांव में मात्र 8वीं तक की पढ़ाई कराई जाती थी। वैसे इन्होंने अपने बगल वाले गांव से अपनी 12th तक की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर इन्होंने आगे चलकर बीए से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद धीरेन्द्र अपने दादाजी की तरह ही बालाजी महाराज मंदिर की सेवा करने लगे। वैसे बता दें कि इनके घर के पास बालाजी का बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे, मगर इनके दादाजी के जाने के बाद यह मंदिर कुछ सालों तक खाली रहने लगा और उसे भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए अपने दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। और तब से लेकर आज तक वो हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाते हैं और जिसकी अर्जी लगती उसे धीरेन्द्र कृष्ण बुलाते और उसकी समस्या को उसे बिना कुछ बोले उसकी समस्या और उसका समाधान एक पर्ची में लिख देते हैं। वैसे दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे हर मंगलवार को इनके धाम पर लगभग लाखों की भीड़ आती है और कई बार हमारे देश के मीडिया चैनल वालों ने इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए बाबा के दरबार गए हैं, मगर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि धीरेन्द्र कैसे लोगों के मन की बात जान जाते हैं। वैसे चलिए दोस्तों अब मिल लेते हैं इनके फैमिली से। तो इनके फैमिली में इनके माता पिता के अलावा इनका एक छोटा भाई भी है। वैसे इनके फादर का नाम है राम कृपाल गर्ग और वह इनकी माँ का नाम है सरोज गर्ग। इसके अलावा आप इनके फैमिली के कुछ पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके हाउस की। तो यह अपने फैमिली के साथ अपने गांव में ही रहते हैं और आप इनके घर की कुछ पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे दोस्तों अगर बात करें इनके इनकम की तो यह अपने गांव से बाहर कहीं दरबार लगाने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं जैसे कि यूट्यूब और फेसबुक से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इनके पूरे नेटवर्क की तो वैसे तो इसकी जानकारी कहीं पर मौजूद नहीं है, मगर अब तक तो यह बाबा करोड़ों रुपए तक के मालिक हो ही गए होंगे। तो दोस्तों यह थी दिव्य बाबा बालाजी महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लाइफ स्टाइल और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को कर दे लाइक और साथ में ऐसे ही लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।